There will be no more tolerance. घुस के मारेंगे। तो फाइनली दोस्तों, आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कि आज तक इंडियन इतिहास में कोई भी बड़ी फिल्म अपने नाम नहीं कर पाई हो। और केजीएफ चैप्टर 2 ने इतिहास रचते हुए सिर्फ दो ही दिनों में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नेट में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के शुरुआती 3 दिनों के इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इस फिल्म का कंपेरिजन करने वाले हैं बाहुबली 2 के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से और RRR के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन तीनों ही फिल्मों में इंडियन बॉक्स ऑफिस की बाजी किसने मारी है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस का किंग कौन बना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, जूनियर NTR, रामचरण और पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के डायहार्ड फैंस हैं और इनकी फिल्मों का इंतजार बेसब्री से करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म बाहुबली 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जैसा कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 28 अप्रैल 2017 को रिलीज किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि SS राजामौली सर के डायरेक्शन में बनने वाली बाहुबली 2 का इंतजार ऑडियंस को काफी बेसब्री से था, और इस फिल्म को देखने के लिए दोस्तों ऑडियंस ने 3 सालों का इंतजार किया था। बताते चले दोस्तों आपको कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, राणा डग्गुबत्ती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो 155 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग मिली, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। और इस फिल्म ने दोस्तों हिंदी में 41 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज दिए और हॉलीवुड में भी दोस्तों इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 217 करोड़ रुपए का रहा, और यह फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया था। इसमें दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी से अपने शुरुआती 3 दिनों में 128 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की थी। दोस्तों बताते चले आपको कि बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो लगभग 1788 करोड़ का है, जिसमें हिंदी से इस फिल्म ने नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 511 करोड़ रुपए और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 800 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसने कि इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया और अपने पहले ही दिन हिस्टोरिक ओपनिंग लेने वाली फिल्म साबित हुई। SS राजामौली सर के ही डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड में आपको जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट नजर आई थी। लगभग 450 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी में तो कमाए थे 20 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 223 करोड़ रुपए का रहा। इस फिल्म को दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में 156 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग मिली थी, जो कि उस वक्त पर बाहुबली 2 के कलेक्शन से भी ज्यादा थी। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी, और यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म का अपने शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन था वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। दोस्तों इस फिल्म में जूनियर NTR और रामचरण के पावरफुल कैरेक्टर्स को देखने के बाद इस फिल्म ने दोस्तों हिंदी में अपने शुरुआती 3 ही दिनों में 74 करोड़ रुपए की नेट बॉक्स ऑफिस पर कमाई की और लगभग 95 करोड़ रुपए की कमाई ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कर ली थी। अगर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23वां दिन है, और इन 23 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं दोस्तों ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 1115 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। आज अपने 23वें दिन दोस्तों ये फिल्म हिंदी में लगभग 4 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का हिंदी से जो टोटल है वो नेट बॉक्स ऑफिस पर 253 करोड़ रुपए का हो चुका है, और हिंदी ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 295 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। ये फिल्म दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, और साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो लगभग 1150 से 1200 करोड़ रुपए का होने वाला है। अब अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर केजीएफ
चैप्टर 2 के 3 दिनों के हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2, जिसके लीड में आपको रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन पावरफुल रोल्स में नजर आए हैं। दोस्तों इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी तो काफी धमाकेदार है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी को भी ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। अपने पहले ही दिन दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए केजीएफ चैप्टर 2 ने जहां हिंदी में 53 करोड़ 95 लाख रुपए की कमाई सिर्फ नेट बॉक्स ऑफिस पर की और हिंदी में ही दोस्तों इस फिल्म का जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था वो 68 करोड़ रुपए का रहा। दोस्तों बताते चले आपको कि कुछ सब्सक्राइबर्स को ये डाउट है कि 68 करोड़ रुपए ग्रॉस हिंदी में कैसे हुआ। बताते चले दोस्तों आपको कि नेट और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस में काफी अंतर रहता है। नेट बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म की जो सेल रहती है वो मल्टीप्लेक्सेस को मिलाकर काउंट की जाती है, वही दोस्तों जो ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहता है उसमें सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और लोकल सिनेमाघरों से काउंट होता है। दोस्तों बताते चले आपको कि नेट बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 ने पहले दिन 53 करोड़ 95 लाख रुपए कमाए हैं और ट्रिपल आर और बाहुबली 2 के हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इस फिल्म ने पीछे कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 68 करोड़ रुपए की कमाई अपने पहले दिन की है। अगर बात की जाए सेकंड डे की तो दोस्तों अपने सेकंड डे भी केजीएफ चैप्टर 2 को ऑडियंस की तरफ से आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स मिला और हिंदी में दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने सेकंड डे 47 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है, जिससे कि ये फिल्म हिंदी में सिर्फ अपने शुरुआती 2 ही दिनों में नेट बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म बनी है। वहीं दोस्तों ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 120 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज टच कर चुका है। दोस्तों बताते चले आपको कि आज इस फिल्म का तीसरा दिन है और आज की भी इस फिल्म की जो हिंदी एडवांस है वो लगभग 29 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी दोस्तों आज इस फिल्म की हिंदी में काफी जबरदस्त रही है और यही वजह है दोस्तों कि एक बार फिर से आज ये फिल्म हिंदी में 45 करोड़ रुपए की कमाई नेट में और लगभग 55 करोड़ रुपए की कमाई ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जो टोटल कलेक्शन है वो अपने शुरुआती 3 दिनों का 175 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। नेट बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुआती 3 दिनों में 145 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी और बाहुबली 2 के 128 करोड़ और ट्रिपल आर के 74 करोड़ की हिंदी बॉक्स ऑफिस कमाई को पीछे कर चुकी होगी। अगर इस फिल्म का कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर किया जाए तो दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 ने बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा टिकट इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बेचे हैं। इस फिल्म का अपने पहले दिन का जो इंडियन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो 170 करोड़ रुपए का रहा है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी से ही 68 करोड़ रुपए की कमाई की है। 35 करोड़ रुपए इस फिल्म ने तेलुगु से कमाए हैं। तमिल बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले ही दिन का जो कलेक्शन था वो लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए का रहा। वहीं दोस्तों कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। दोस्तों इस तरह से ये फिल्म पूरे भारत में ऑल इंडिया ग्रॉस पर 170 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शंस की तो अपने दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने 140 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से की थी। वही दोस्तों आज ये फिल्म अपने तीसरे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो लगभग 490 करोड़ या फिर हो सकता है दोस्तों कि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस मिलाकर ये फिल्म 500 करोड़ के भी क्लब में शामिल हो जाए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 और ट्रिपल आर को तो काफी कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन दोस्तों हिंदी में इन दोनों ही बड़ी फिल्मों से ये फिल्म आगे निकल चुकी है। कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर भी इन दोनों ही फिल्मों से काफी शानदार कमाई ये फिल्म कर रही है। तमिल बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ट्रिपल आर और बाहुबली के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। सिर्फ दोस्तों तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो बाहुबली ट्रिपल आर के बॉक्स ऑफिस से कम है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडियन बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 और ट्रिपल आर के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।